हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो यार, काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने हायरिंग चैलेंजेस ऑर्गेनाइज करती हैं, एंड उनमें से एक कंपनी है अमेरिकन एक्सप्रेस। तो यार, अमेरिकन एक्सप्रेस का भी एक हायरिंग चैलेंज जो है वो स्टार्ट हो रखा है, एंड उस चैलेंज का नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस कैंपस सुपर बाउल। तो यार, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि इसमें ये एनालिटिक्स और डेटा साइंस से रिलेटेड जो फील्ड है उसका ये एक हायरिंग चैलेंज है, एंड उसके थ्रू यहाँ पर हायरिंग चैलेंजेस में आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके अंदर वेरियस लाइक प्राइजेज वगैरह हैं, कैश प्राइजेज एंड एक्सेट्रा। तो आप इस हायरिंग चैलेंज में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड मैं इस वीडियो में आज उसके बारे में बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस लाइक प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या इसकी पूरी डिटेल्स हैं, डेट्स वगैरह के बारे में पूरा इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। सो यार, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स हैव द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट दिस चैलेंज। सो यार, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये चैलेंज यहाँ पर है अमेरिकन एक्सप्रेस कैंपस सुपर बाउल। तो ये मतलब 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, एंड इसके जो मतलब लास्ट डेट है वो 25 सितंबर है। तो यहाँ पर ये लिखा है अमेरिकन एक्सप्रेस चैलेंज। तो अगर हम इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि एनालिटिक्स और डेटा साइंस फील्ड से रिलेटेड है, एंड इसके अंदर जो डिसीजन साइंस टीम्स अक्रॉस रिस्क फ्रॉड मार्केटिंग जो है वो सारा इसके अंदर आपके मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस की टीम वाले होंगे। एंड अगर हम बात करें इसकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मतलब कौन कौन इसमें एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर गिवन है लाइक प्री फाइनल ईयर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम बी बी टेक एम ई एम टेक एंड डुअल डिग्री। तो और उसमें भी इन्होंने मतलब स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे रखा है कि जो बिलो मेंशन कॉलेजेस हैं सिर्फ उनके मतलब स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, लाइक आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास। तो ये जितने भी कॉलेजेस लिखे हैं आप, अगर इनमें से हैं, अगर आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। देन इसमें सेकेंड एलिजिबिलिटी है कि आप एक एमबीए स्टूडेंट हो। एमबीए के कुछ कॉलेजेस दे रखे जैसे आईआईएम, आईएसबी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एसपी जैन, ठीक है, ये सारे मतलब गिवन है, एफएमएस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो ये सारे कॉलेजेस हैं। देन थर्ड क्राइटेरिया है कि मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, अगर आप इनमें से किसी कॉलेजेस में से हो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस लाइक चैलेंज। एंड जो मतलब जो चैलेंज है उसके लिए आप इंडिविजुअली रजिस्टर भी कर सकते हैं, एंड टीम मेंबर में भी कर सकते हैं, अप टू 3 मेंबर्स। तो ये इसकी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें कि इसी मतलब कौन कौन से कितने कितने राउंड्स वगैरह होने वाले हैं, तो यार यहाँ पर मतलब 3 राउंड्स होंगे टोटल। तो पहला राउंड होगा जिसमें कि आपको सबमिट करना है एक सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट इवेल्यूशन डेटा सेट। तो आपको यहाँ पर एक मतलब डेटा सेट गिवन होगा फॉर द डेटा साइंस ट्रैक, एंड उसका आपको यहाँ पर जो भी मतलब सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करना होगा थ्रू द कोड और एक्सेट्रा, जो भी इन्होंने मतलब मांगा होगा तो आपको वो सबमिट करना है। यहाँ पर उसकी पूरी गाइडलाइंस जो है वो गिवन है, जैसे कि असेसमेंट विंडो वगैरह, तो यहाँ पर पूरा गिवन है। 30 डेज की ड्यूरेशन है इसकी मतलब अंदर, एंड यहाँ पर आप मतलब डिटेल्स वगैरह पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये मतलब पहला राउंड अगर आप जो भी क्लियर करता है, देन दे गो टू सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड में लिखा है सबमिट सॉल्यूशन फॉर सेकंड इवेल्यूशन डेटा सेट, वो भी डेटा साइंस ट्रैक का है। एंड यहाँ पर मतलब जो टॉप टीम्स होंगी ना राउंड वन, और जो टॉप टीम्स होंगी राउंड वन से वो एलिजिबल होंगी राउंड टू के लिए, एंड वहाँ पर भी आपको एक गिवन डेटा सेट होगा जिसमें आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा विद द हेल्प ऑफ कोड। एंड लास्टली जो मतलब टॉप मतलब टीम होंगी जिनके टॉप स्कोर होंगे राउंड वन और राउंड टू कंबाइन करके, तो वो यहाँ पर डेटा साइंस ट्रैक राउंड थ्री में जाएगी जो कि फाइनल राउंड होगा। एंड जो राउंड थ्री होगा वहाँ पर आपको प्रेजेंट करना होगा मतलब पैनल के सामने, तो जो भी मतलब कंपनी के जो पैनलिस्ट आएंगे आपको उनके सामने उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। एंड देन जो भी इसमें से सिलेक्ट होगा तो वो राउंड थ्री के बाद सिलेक्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे उसमें जो उनके जो प्राइजेस वगैरह हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर हम रिवॉर्ड्स की बात करें, क्या क्या रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिल रहे हैं, तो सबसे पहला है कि जो विनिंग टीम होगी उसको मैकबुक एयर मिलेगा, ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ द टीम विल गेट मैकबुक एयर। देन जो फर्स्ट रनर होगा उसको एप्पल आईपैड, एंड जो सेकंड होगा उसको एप्पल एयरपॉड्स। तो ये इसके रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस हैं। अगर हम बात करें डेट्स एंड डेडलाइंस की, तो जैसे मैंने बताया 1 अगस्त को स्टार्ट हो चुका था, एंड जो रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है वो 27 अगस्त है। तो आप आज ही इसमें मतलब रजिस्टर कर दें एंड अप्लाई फॉर दिस चैलेंज। तो ये तो था मतलब इसका रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस। सो यार, इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा कि जो मतलब इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करके जो विनर्स वगैरह होंगे उनको यहाँ पर प्री प्लेसमेंट ऑफर भी यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आपका मतलब अगर आप विनर होते हैं उस चैलेंज के अंदर, तो आपके पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड फुल टाइम अपॉर्चुनिटी जो है वो दोनों के मतलब लेने के चांसेस यहाँ पर होंगे, तो आप मतलब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो यार, ये थी सारी डिटेल्स इस चैलेंज के बारे में। तो आप इस चैलेंज में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। लाइक आज 24 अगस्त है, 27 इसकी लास्ट डेट है, तो आप आज इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, एंड उसके बाद जितने भी इसके फर्दर राउंड्स हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करके, अगर आप हर राउंड में विनर होते हैं देन यू विल गो फॉर दी राउंड थ्री विच इज़ दी फाइनल राउंड, एंड उसके बाद यू विल गेट दोज प्राइजेस एंड यू विल ऑल्सो गेट दी चांस टू हैव अ प्री प्लेसमेंट ऑफर और एन इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस। तो ये था मतलब इस पूरे चैलेंज के बारे में, एंड इसके अलावा काफ़ी सारे हायरिंग चैलेंजेस जो हैं कंपनीज वगैरह करती हैं। तो अगर आप वीडियो चाहते हैं उनके ऊपर कि मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं,
तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये चैलेंज के ऊपर आप वीडियो बनाएं। एंड अगर इसके अलावा भी कुछ हायरिंग चैलेंजेस या फिर जो ऑफ कैंपस हायरिंग्स होती हैं एंड उसके बारे में भी यहाँ पर और वीडियोस बनाने वाला हूँ नेक्स्ट फर्दर, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। तो यार अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक न्यू वीडियोज लाइक दिस। सो या आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।